नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माँ ने सृष्टि की रचना की। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। आदिशक्ति दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप में चौथा स्वरूप भक्तों को संतति सुख प्रदान करने वाला है। आज के दिन पहले माँ का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आह्वान किया जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उनकी आराधना की जाती है। कूष्मांडा का मतलब है अपनी फूलों सी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न करना। इसीलिए माँ को कूष्मांडा कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है।